हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है किचन सिंक। किचन सिंक जो यूज़ होता है वो किचन में यूज़ होता है, जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। ये टू बाउल भी आता है, कमर्शियल एरिया में टू बाउल लगता है बड़े साइज़ का। नॉर्मल घर पे सिंगल ही लगता है बाउल। इसके साइज़ में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि हमें किचन सिंक के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ किचन सिंक सिंगल बाउल। आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसके साइजेस कैसे मेजर करते हैं। किचन सिंक में दो साइजेस होते हैं हर बार, एक आउटर साइजेस एक इनर साइजेस, जो बाउल साइज बोलते हैं। ये देखिए, ये जो किचन सिंक है हमारे पास, इसका आउटर साइज है 21 इंच, ठीक है, और इसकी लेंथ होगी 21 इंच, विड्थ इसकी आ गई आपकी 18 इंच, विड्थ है 18 इंच, और इसकी हाइट जो है हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, इसकी हाइट आ गई आपकी 8 इंच, ठीक है गाइस। तो ये जो बाउल है ये है 21x18x8 का, ठीक है। और अब इसका अंदर का साइज कैसे मेजर करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बाउल का साइज, ये आउटर साइज आ गया और ये बाउल का साइज है। बाउल का साइज इसका है 18 इंच लेंथ है, 15 इंच इसकी विड्थ है, और हाइट इसमें सेम रहेगी जो आउटर का साइज था, मतलब कि 8 इंच हाइट इसकी 8 इंच ही रहेगी, ठीक है। तो इसका बाउल का साइज हो गया 18x15x8, ठीक है गाइस। ये सिंगल बाउल है, ठीक, और इसके ऊपर अभी लेमिनेशन लगी हुई है। जब आप मतलब इसको यूज़ करोगे, सीमेंट वगैरह के दाग ना पड़े, जब प्लम्बर यूज़ करता है इसको लगाता है तो ना गंदा ना हो, इसलिए इसके ऊपर एक कोटिंग दी होती है। बाद में जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इस कोटिंग को आप उतार सकते हो। मैंने थोड़ी सी उतार के दिखाई है, नीचे से मैट फिनिश निकलेगी। और इस सेटअप के साथ बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, स्टेनर देती हैं, जो इसका कपलिंग आता है, सिंक कपलिंग आता है, वो भी साथ में देती है। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है इसके साथ में, तो ये जो सिंक कपलिंग है ये 1.5 की थ्रेड का है, 1.5 मतलब कि 40 mm की थ्रेड है। तो मार्केट में ना इतनी 40 mm की इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती नहीं है वेस्ट पाइप की, जो आप पी ट्रैप हो गया या वेस्ट पाइप होगी। तो इसके साथ एक रिड्यूसर भी देते हैं। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है 1.5 की थ्रेड को 1.25 की थ्रेड में, ठीक है गाइस। ये एक्सेसरीज के साथ आती हैं और मैं आपको इसको पूरा दिखा देता हूँ। और ये जो कपलिंग होता है इसमें भी दो साइज आते हैं, 3 इंच और 4 इंच, वो डिपेंड करता है, ये जो सिंक का होल होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ। इसमें देखने वाला क्या क्या होता है, ये देखिए, इसमें एक ना ये कोटिंग लगी हुई है इसके नीचे। तो जब भी टैप से पानी गिरता है ना, तो जब ये कोटिंग लगी होती है तो उससे सिंक में से आवाज़ नहीं आती। नॉर्मल पहले क्या होता था, किचन सिंक में से ना आवाज़ बहुत आती थी पानी की। आजकल ये कोटिंग चल रही है इसके ऊपर, तो इससे आवाज़ जो है वो साइलेंट हो गई है, ठीक है गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू।